Yes. सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, जैसे कि नाम से आपको क्लियर हो रहा है कि इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट। अब किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस सब देखते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू। पहले आपके पास एक क्वेश्चन है, 7x-15y=2 एंड एक और इक्वेशन है x+2y=3। तो ये दो इक्वेशन है ना, और इनको क्या बोलते हैं अपन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन जो आपको सही लगती है वो आप लेंगे, है ना। तो वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बाय टेकिंग, अब लेट सपोज मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड ली, तो बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इक्वेशन सेकंड ले ली मैंने, लिख ली x+2y=3, ठीक है। अब आप यहां पर क्या करेंगे कि या तो x की या y की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, या तो x या फिर y। तो यहां पर x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, +2y का साइड चेंज करेंगे तो -2y, तो 3-2y, ये आपकी x की वैल्यू आ गई, और यही कि यही आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई, है ना। अब इसके बाद क्या करोगे आप, नाउ बाय putting the value, ये substituting लिख सकते हो आप putting की जगह, by substituting the value of x in equation, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे आप, आपने सेकेंड इक्वेशन ली थी तो सेकेंड में पुट नहीं कर सकते हो आप, अब आपको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करना पड़ेगी, है ना। जो इक्वेशन आप लोगे स्टार्टिंग में उसमें पुट नहीं करना है, उसके अलावा जो बची हुई इक्वेशन है उसमें आपको ये वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो क्या होगा, जो इक्वेशन है वो है आपकी 7x-15y=2, ठीक है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसमें आपने x के प्लेस पे क्या पुट कर दिया है, 3-2y-15y=2। तो देखो आप, अगला क्या होगा, अगला 7 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो 7 3 21 -7 2 14 y -15 y=2, ठीक है। तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद 21 -14 y और -15 y हो जाएगा -29 y, ओके, 2 as it is, 21 plus का उधर गया तो माइनस का, तो -29y = -19, सो फाइनली द वैल्यू ऑफ y इज -19/-29, माइनस माइनस प्लस हो गया तो y की वैल्यू हो गई 19/29, ठीक है, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, है ना। तो एक्चुअली यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको x और y दोनों की वैल्यूज फाइंड करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रोसीजर क्या है वो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इसका थ्योरेटिकल फॉर्म भी आपको क्लियर करूंगा मैं, ठीक है। तो देखो आप, आपका जो थर्ड इक्वेशन है वो है x=3-2y, ये थर्ड इक्वेशन आपकी है, इसमें क्या किया, x=3-2 × y की वैल्यू पुट की 19/29, ओके, तो x=3-19 × 38/29, ठीक है। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आया 29, ठीक, 29 3 कितना आ जाएगा, 87, ठीक है, 33 90 -87 -38, ठीक है। सो फाइनली x की जो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो हो जाएगी 49, ठीक है, upon 29, तो x की वैल्यू आ गई 49/29 एंड y की वैल्यू आ गई 19/29, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज आ गई है, अब ये सही है या गलत ये भी आप 100%, ये जो क्वेश्चन है ना चैप्टर 3 के सारे क्वेश्चंस को आप 100% वेरीफाई कर सकते हो,
100% वेरीफाई कर सकते हो, मतलब क्या कि आप इनके आंसर्स चेक कर सकते हो कि आंसर सही है या गलत। ये चेक कैसे करोगे आप, ये आपकी जो वैल्यूज आई है ये वैल्यूज आप पुट करोगे आपके इक्वेशन में, है ना। कैसे देखो, देखते हैं। आपकी जो इक्वेशंस है वो है 7x-15y=2, ये फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन है x+2y=3, है ना। यहाँ पर वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी है बेटा, x की वैल्यू दोनों के लिए कॉमन ही है तो मैं बीच में लिख देता हूँ यहाँ पर, x इक्वल टू है 49 अपॉन 29 एंड y है 19/29, ठीक है। ये दो चीजें हैं, तो क्या करेंगे देखो आप, 7 × x के प्लेस पर पुट किया 49/29 -15 × y के प्लेस पर पुट किया 19/29। अगर इसको सोल्व करने के बाद 2 आंसर आ गया, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो 9 × 7 = 63 3 × 6 = 74 / 29 -15 9 = 135 5 = 13 15 × 15 15 और 10 = 25 = 28 / 29 दोनों का एलसीएम 29 ही आ गया, सो 343 - 285, सो 13 - 5 = 8, नाउ 13 - 8 = 5 एंड 2 - 2 = 0/29, तो इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 2, ठीक है। तो LHS सॉल्व किया था आपने और RHS आपके पास आ गया है, ठीक है। अब ऐसा ही आप यहाँ पर करोगे, 49/29 + 2 × 19/29, तो आपको मिलेगा 49/29 + 38/29, दोनों का एलसीएम 29 आ गया, तो 49 + 38 = 7 / 1 = 87/29, और कैंसिल किया तो 3 आ गया। तो देख लो, ये भी 3 और ये भी 3, ऐसे ये भी 2 और ये भी 2, तो दोनों इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, मतलब ये जो आपने सॉल्यूशन किया ये 100% करेक्ट है, ठीक है। जो उन्होंने क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, तो इसकी थ्योरेटिकल फॉर्म भी ये है। सबसे पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में स्टेप फर्स्ट क्या बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल से वाई इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, तो किसी भी एक वेरिएबल की आप वैल्यू फाइंड करें, तो यहाँ पे अपनों ने एक्स की वैल्यू फाइंड करी, है ना। कोई भी इक्वेशन ले, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन आपको लेना है और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है, या तो एक्स की या फिर वाई की, ओके। तो अगर आप एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे तो वाई के टर्म्स में आएगी, और वाई की वैल्यू फाइंड करोगे तो एक्स के टर्म्स में आएगी, ठीक है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द रिमेनिंग इक्वेशन, जो आपने इक्वेशन नहीं ली है उसमें आपको पुट करना है। जैसे आपने सेकंड इक्वेशन यहाँ पर इस क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन ली थी, तो ये जो वैल्यू है मैंने ये फर्स्ट में पुट की है, ठीक है, ओके। यस, देन यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ एक्स इन द अनदर इक्वेशन, है ना। आपने इक्वेशन सेकंड लेके एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो आप ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, और आप देखेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट में आपने जैसे ये वैल्यू पुट की, तो आपकी पूरी इक्वेशन फर्स्ट में से सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल बच गया है ना। जैसे यहाँ पे आप देखें, इसमें आपके पास सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल रिमेनिंग रह गया यहाँ पे, है ना, वाई। एक्स हट ही गया है पूरा, क्योंकि एक्स के प्लेस में आपने वाई की वैल्यू पुट कर दी, मतलब वाई के टर्म्स में वैल्यू पुट कर दी, है ना। जो एक्स की वैल्यू आपने इक्वेशन थर्ड में निकाली है वो वाई की टर्म्स में है, तो जो आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो ये पूरा के पूरा जो आपका इक्वेशन है ये वाई की टर्म्स में आ गया है। और जैसे वाई की टर्म्स में आ गया, इसको सोल्व करने के बाद आपको वाई की वैल्यू मिल गई। अब ये जो वाई की वैल्यू आपको मिली है, ये आपको पुट करनी है इक्वेशन नंबर थर्ड में, है ना। हाँ, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में भी पुट कर सकते हो, तो सेम ही आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पर आप इसको पुट करें कहाँ पर, थर्ड में, थोड़ा इजी रहेगा। तो थर्ड में आपने पुट की, तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन सोल्व हो गया। देन आपने इसको वेरीफाई कर लिया, है ना। ये क्या है, वेरीफिकेशन है, दिस इज द वेरीफिकेशन, ओके, ये वेरीफिकेशन। और वेरीफिकेशन में आपने देखा एक्स और वाई की वैल्यूज पुट की जब आपने इक्वेशन में, तो आपके आंसर आ गए, तो ये 100% करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, अगले क्वेश्चंस पे।
तो x is 3.3. क्वेश्चन नंबर फोर्थ लेता हूं मैं या थर्ड ले लेता हूं एक बार पहले. क्या क्वेश्चन है? 3x - y = 3, 9x - 3y = 9. ओके, तो देखो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि ये जो इक्वेशन आपके पास है इसका सॉल्यूशन भी आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, है ना. मतलब ये इसमें यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है, मतलब इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तो नहीं है, इसमें और कोई दूसरी प्रॉब्लम, मतलब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन तो नहीं है. तो ये चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, a1 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी आएगी, 3, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू 9, है ना. इसको मैं, इसके लिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूँ. अगर लेट सपोज बच्चे ने ये चेक नहीं किया और डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सोल्व करने चला गया तो क्या होगा, ठीक है. तो करते हैं डायरेक्टली सोल्व, पहले एक बार ट्राई करते हैं. तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है. बाय टेकिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली, तो 3x - y = 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो 3x = 3+y. सो फाइनली द वैल्यू ऑफ x इज 3+y/3, ये x की वैल्यू आपकी आ गई, है ना, इक्वेशन नंबर थर्ड आपकी हो गई. अब इस x की वैल्यू को आप कहां पुट करोगे, ये पुट करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड. आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है, 9x - 3y = 9, तो 9 × x की वैल्यू पुट की तो 3+y/3 - 3y = 9, तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9. अब मल्टीप्लाई किया तो 3 × 9 + 3y - 3y = 9, तो +9 उधर गया तो -9 हो जाएगा, तो 3y - 3y = 9 × 9, तो 0 = 0 आ रहा है. ये क्या हो गया, 0 = 0, हाँ, वेरिएबल कहाँ गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में. तो देखो समझो, आप निकालोगे रेशियो अब a1/a2, तो a1/a2 आएगा 3/9, 3/9 मतलब कैंसिल होके आपको मिलेगा 1/3, ठीक है. फिर आप रेशियो निकालोगे b1/b2 का, तो -1/-3 मतलब 1/3, देन c1/c2 कितना है, 3/9, 3/9 मतलब 1/3. तो आप देखो तीनों रेशियो जो है 1/3, 1/3, 1/3 आ रहे हैं, तीनों रेशियो जब सेम होते हैं, मतलब क्या, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों का रेशियो अगर इक्वल है तो क्या मिलेंगे आपको, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन आपको मिलेगा. इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मतलब हर पॉइंट पे आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, इसलिए मतलब आप y के प्लेस पे कुछ भी पुट कर लो, x के प्लेस पे कुछ भी पुट कर लो, ये आपका एक सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है. तो आपके पास इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, इसलिए कोई एक फिक्स सॉल्यूशन नहीं आ पा रहा है, है ना. एक फिक्स सॉल्यूशन आएगा तो वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर है. यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 3.3. सोल्व 2x + 3y = 11. ये फर्स्ट इक्वेशन है, एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x - 4y = -24. इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3. तो देखो अगर आपको y और x की वैल्यू क्लियर है तो आपको m की वैल्यू भी इमिडिएटली क्लियर हो जाएगी. अब आपको x और y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से मिलेगी. तो सबसे पहले मैंने लिया इक्वेशन सेकेंड, बाय टेकिंग इक्वेशन सेकेंड, तो आएगा 2x - 4y = -24. ये इक्वेशन सेकेंड है, ठीक है. अब दोनों में से मुझे दिख रहा है क्या, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो ये x - 2y = -24. अब ये 2 मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में, तो x - 2y = -24/2, सो x - 2y = -12, सो x = -12+2y. ये x की वैल्यू आ गई, दैट इज योर इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ बाय पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट की, तो क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2x
प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। तो 2 इंटू x की वैल्यू कितनी, माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। अब क्या करेंगे देखें आप सभी, 2 इंटू माइनस 12 तो हो जाएगा माइनस 24, फिर 2 इंटू 2y तो प्लस 4y, ओके, प्लस 3y इक्वल टू 11, ओके। तो अब क्या करेंगे इसके बाद, अच्छा 2 मिनट रुको, देखो आप एक और चीज शॉर्टकट कर सकते थे, एक और चीज आप शॉर्टकट क्या हो सकता था देखना, दो मिनट के लिए देखना, ये भी सही है, बिल्कुल 100% सही है, पर एक शॉर्टकट और हो सकता था क्या, कि डायरेक्टली आप यहाँ पर क्या करते, देखते कि यहाँ पर यार 2x है और यहाँ पर भी 2x है, ठीक है। तो आप क्या करते, डायरेक्टली 2x की वैल्यू फाइंड करते, 2x की वैल्यू आती माइनस 24 प्लस 4y, ये 2x की वैल्यू आपकी आ गई, ठीक है। या फिर इसको अगर x की वैल्यू निकालना हो तो माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2, ऐसा आप कर लेते दोनों में से कोई भी, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गई आपकी, है ना। तो आप क्या करते, ये वैल्यू अगर आप पुट करते बाय पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 2x की जो वैल्यू है या फिर x की जो वैल्यू है, तो 2 इंटू माइनस 24 प्लस 4y, आपकी स्टेप्स बहुत सारी बच गई है ना, इसलिए मैंने ऐसे करवाया, ये 3y इक्वल टू 11, तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस 24 प्लस 4y प्लस 3y इक्वल टू 11, ठीक है। 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, 7y, 11 प्लस 24, माइनस 24 साइड चेंज करा तो प्लस हो जाएगा, तो 7y इक्वल्स टू 4 प्लस 1 5, 2 प्लस 1 3, सो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब y की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, पुटिंग बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 2, तो x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 20 अपॉन 2, सो x इक्वल टू माइनस 4/2, सो फाइनली द x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 2 आ गई, तो आपके x और y की वैल्यूज यहां पर आ गई है, ठीक है। अब क्योंकि x और y की वैल्यूज आ गई है आपके पास, है ना, तो आप वो चेक भी कर सकते हैं सही है या नहीं, वेरिफिकेशन आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। आप यहां पर क्या करेंगे, अभी y इक्वल टू mx प्लस 3, इसमें आप x और y दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, तो y की वैल्यू कितनी है, 5 इक्वल टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3, ओके, तो प्लस 3 का साइड चेंज किया तो माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 इंटू m माइनस 2m, तो 2 इक्वल टू माइनस 2m, सो फाइनली द वैल्यू ऑफ m इज माइनस 1, दैट इज योर आंसर, ओके।